हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे, योर टीचर फॉर अपकमिंग सीयूईटी एग्जामिनेशन। सो आज मैं आप सभी के लिए समर्थ गेस्ट पेपर सीरीज का एक नया गेस्ट पेपर यहां पर लेकर आया हूं, और ये हमारे हिस्ट्री का गेस्ट पेपर नंबर 7 होगा। इससे पहले टोटल 6 गेस्ट पेपर मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और आज के इस सेशन में भी मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं आप सभी को विजिबल ऑडिबल हूं तो प्लीज लेट मी नो, लाइव चैट में एक बार आप बता दीजिए, और रेडी हो जाइए आज के टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोटेबल आर्टिफैक्ट फाउंड इन मोहनजोदारो साइट। मोहनजोदारो जो साइट आपको देखने को मिलेगी, यहां पर एक नोटेबल आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मतलब ये होता है कि जो अलग अलग तरीके की चीजें हम डेली बेसिस पे यहां पर यूज करते थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहां पर यूज करते थे, उनके बारे में यहां पर ये बात की गई है। तो आपको ये बताना है कि जो मोहनजोदारो साइट आपको देखने को मिलेगी, इसमें कौन सा एक नोटेबल आर्टिफैक्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिला। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, मोहनजोदारो जो है वो इंडस नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आप ये मान सकते हैं कि जो लोकल नेम है उसे माउंट ऑफ डेड यहां पर हम कहते हैं। 1925 में यहां पर एक्सेक्वेशन जो है वो यहां पर शुरू किया गया। आरडी बैनर्जी ने एक्सेक्वेशन का काम यहां पर किया था, और बाकी अगर हम याद रखेंगे तो आरडी बैनर्जी ने यहां पर इस पर्टिकुलर साइट की जो खोज है वो कब करी थी, वो करी थी 1922 में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो डांसिंग गर्ल, पशुपति सील और प्रीस्ट किंग, है ना, ये जो सारे के सारे आर्टिफैक्ट, जो ये तीन आर्टिफैक्ट मैंने आपको बताए, ये कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ये मोहनजोदारो में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम डॉकयार्ड की बात करेंगे तो डॉकयार्ड जो ब्रिक से यहां पर बना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा ब्रिक से यहां पर ये बना था, ये आपको लोथल में देखने को मिलेगा। और लोथल जो साइट है वो कहां पर है, गुजरात में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। ठीक है, याद रखिएगा टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। लास्ट में मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन यहां पर सही हुए हैं, तो उनका भी आंसर आपको करना है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। हाउ वॉज इंटर कंट्री कम्युनिकेशन डन ड्यूरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पर जो इंटर कंट्री यहां पर कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब जो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है या फिर जो ट्रेड एक्टिविटीज वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से यहां पर चीजें होती थी। वाटरवेज के थ्रू होता था, रोडवेज के थ्रू यहां पर होता था, रेलवेज के थ्रू, या फिर ऑल ऑफ द एबो। तो यहां पर क्या है कि आपको ये बताना है कि इंटर कंट्री कम्युनिकेशन जो आपको देखने को मिलेगा, मतलब हमारे देश में जो अलग अलग तरीके की साइट्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो हमें सबको पता है कि भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1853 में देखने को मिलेगी। किसने किया था, ये लॉर्ड डलहौजी ने यहां पर किया था। लॉर्ड डलहौजी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो रेलवे तो यहां पर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दी एबो भी नहीं आएगा, केवल एक ही आंसर होगा, क्योंकि हम सभी को पता है इंडस रिवर और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं उसके आसपास ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिला है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो वाटरवेज के थ्रू ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या होता था कि ये कम्युनिकेशन है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। ऋग्वेदा का जो कंपाइलेशन यहाँ पर हुआ था उसका टाइम पीरियड यहाँ पर क्या है, है ना। ऋग्वेद आप सभी को पता है कि ये ओल्डेस्ट वेद आपको देखने को मिलेगा, संस्कृत में यहां पर ये लिखा गया है। पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद से एसोसिएटेड है, जिसमें चार वर्ण के बारे में यहां पर बात करी गई है। ऋग्वेदा का जो कॉम्पोजिशन है ये इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने इसका कंपाइलेशन कॉम्पोजिशन जो है वो यहां पर किया है। ऋग्वेदा का जब हम टाइम पीरियड यहां पर देखते हैं तो ऋग्वेदा का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 1500, ठीक है, से लेकर 1000 BCE, है ना, मतलब सी मतलब होता है सिरसा, सिरसा मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक लैटिन वर्ड आपको देखने को मिलेगा। और ऋग वेदा का कॉम्पोजिशन कंपाइलेशन जो है वो 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से
अगर हम लोग मनुस्मृति के बारे में बात करें, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स वगैरह के बारे में बात करी गई है, जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति का टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये आपको मनुस्मृति का टाइम पीरियड क्या देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें ये धर्म सूत्र वगैरह होते हैं, धर्मशास्त्र वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, इनकी बात यहां पर की जाती है। तो आपको ये बताना है कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति का टाइम पीरियड जो है वो यहां पर क्या है, कब से लेकर कब तक जो है ये मनुस्मृति यहां पर कंपोज करी गई, इनका कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। इस चीज का आंसर याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज अलग अलग तरीके के नॉर्म्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 200 BCE से लेकर 200 CE तक का जो टाइम पीरियड है वो यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया हुआ है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीवान द ऑफिसर इन अकबर्स रीन वॉज इंटरेस्टेड, मतलब कि अकबर का जो रीन है 1556 से लेकर 1605 तक, उसमें यहां पर दीवान आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, तो दीवान का जो काम यहां पर होता था वो आपको क्या देखने को मिलेगा, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए, पेमेंट ऑफ सैलरीज के लिए, हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हेड ऑफ नोबिलिटी। तो आपको बताना है कि जो दीवान का काम यहां पर है, जो दीवान यहां पर काम करते थे वो यहां पर क्या काम करते थे। जो भी अलग अलग तरीके के ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो मुगल्स के टाइम पीरियड पर हो, चाहे वो आपको विजयनगर के टाइम पीरियड पर देखने को मिले, इनकी अलग अलग तरीके की जो ड्यूटीज हैं वो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा, जब भी हम दीवान के बारे में बात करेंगे, दीवान का जो काम आपको देखने को मिलेगा वो रिवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखना है कि मुगल्स के टाइम पीरियड पर एक सिस्टम आपको देखने को मिलता था जिसे हम मनसबदारी सिस्टम जो है वो यहां पर कहते थे। ठीक है, ये मनसबदारी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात ये भी बताइएगा, जो फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन है, फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर गो थ्रू करने वाले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन से ऑफिसर के पास होती थी, एक बात ये बताना। और उसके बाद जो जमींदार वगैरह का टैक्स कलेक्शन यहां पर करते थे, है ना, क्योंकि जमींदार को टैक्स पे करना है, तो उसके लिए उन्होंने यहां पर क्या किया था, ऑफिसर्स वगैरह जो है वो अपॉइंट किए थे जो जमींदार्स के बिहाफ में यहां पर टैक्स कलेक्शन का काम यहां पर करते थे, उनका नाम यहां पर क्या होता था। ये दो चीजें जो है वो आपको यहां पर बतानी है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको मिलेगी जिसको हम अमीन यहां पर कहते हैं, और एक चीज अगर आप देखोगे तो उन्हें हम अमला के नाम से यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से कौन सी चीज किसके लिए रिलेटेड है ये आपको बतानी है। मनसबदारी सिस्टम जो है ये मुगल से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक आपको जात देखने को मिलेगा और एक आपको सवार जो है वो देखने को मिलता है। जात का मतलब यहां पर क्या होता है, जात का मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, जात का मतलब ये हुआ कि आपकी रैंक कौन सी है, आपकी हायरार्की कौन सी है, आपको सैलरी वगैरह जो है वो यहां पर किस तरीके से जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जात से जो है वो आपकी रैंक यहां पर डिसाइड होगी, और अगर मान लीजिए कि आपकी जो जात है वो 1000 या उससे ज्यादा है तो आपको यहां पर क्या बोला जाता था, एक नोबल के नाम से यहां पर जाना जाता था। अब उसके बाद अगर आप सवार के बारे में यहां पर बात करेंगे तो सवार जो है वो यहां पर क्या है, ये हॉर्समैन है, मतलब आप अपनी रैंक के हिसाब से जो भी चीजें हैं वो यहां पर प्रिपेयर करोगे, उतने हॉर्समैन आपको यहां पर प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अमीन जो है वो बेसिकली यहां पर क्या करेंगे, अमीन अगर आप देखोगे तो इनका काम जो है वो ये है कि भाई आपका जो फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन है इसको आप यहां पर मेंटेन करोगे, और साथ ही साथ यहां पर जो अमीर गुजार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, मतलब जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है अमीर गुजार, ठीक है, जिन्हें हम अमला भी यहां पर कह सकते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, ये बेसिकली जो रिवेन्यू वगैरह होते थे, जो टैक्सेस वगैरह होते थे जमींदार के, उनको यहां पर क्या करते थे, उनको जो है वो यहां पर कलेक्ट करते थे। ठीक है, पटवारी वगैरह का काम क्या होता था, ये लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वगैरह है उनको कंपाइल करने का काम करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सर्फेस नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश पिलर्स। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग तरीके के ये जगह पर, मतलब ये पहले आपको रूलर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने मैसेज जो उनके सब्जेक्ट हैं उनके लिए, और जो दूसरे यहां पर आपको लोग देखने को मिलेंगे उनके लिए मैसेजेस वगैरह जो है इन्होंने यहां पर, ठीक है, पिलर्स में, रॉक्स वगैरह में जो है वो यहां पर, ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि लिखवाए थे। इनका नाम क्या है, कनिष्क है, बिंबिसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर अशोक। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, अशोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BCE में जो है
ये मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया था। इनके कोर्ट में अगर आप देखोगे तो मेगेस्थनीज देखने को मिलेंगे, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे, जिनकी बुक यहाँ पर इंडिका देखने को मिलेगी। और इनके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र का कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बिंबिसार जो है वो हर्यंका डायनेस्टी के हैं, ये भी मगध जो यहाँ पर महाजनपद है उससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं। इनके बेटे का नाम अजातशत्रु था। और उसके बाद कनिष्क जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, कनिष्क जो है वो कुषाण डायनेस्टी से यहाँ पर रिलेटेड है। इनका बी हेडेड स्टैचू जो है वो आपकी बुक में यहाँ पर बना हुआ है, जो कि सैंड स्टोन से यहाँ पर बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखना है, इसमें इनकरेक्ट जो है ये आपको बताना है। अबाउट द ड्यूटीज एज लेट डाउन इन मनुस्मृति फॉर चांडालास, जो चांडालास आपको देखने को मिलते हैं उनके लिए मनुस्मृति में जो ड्यूटीज यहां पर लिखी गई है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। दे हैड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, गांव से इनको बाहर रहना पड़ता था। दे हैड टू यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, जो यहां पर बर्तन होते थे जिसे नॉर्मल लोग यहां पर यूज नहीं करते थे, वो बर्तन ये लोग यहां पर यूज करेंगे। दे वर सपोज टू वियर ओल्ड क्लोथ ऑफ द विलेजर्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम शेल्स। ठीक है, जो मोतियों से शेल से यहां पर आप ये मान सकते हैं कि ऑर्नामेंट्स है उसको ये लोग यहां पर पहनते थे। इट वॉज देयर ड्यूटी टू सर्व एज एग्जीक्यूशनर एंड डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स। ठीक है, तो पहला दूसरा और चौथा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर जो ये शेल्स आपको देखने को मिले हैं इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आपको आयरन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी जगह पर आयरन है, तो यहां पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, हु वर तालुकदार्स अंडर ब्रिटिश राज इन इंडिया। ठीक है, जब हम इंडिया की बात करते हैं, ब्रिटिश राज की बात करते हैं, तो जो तालुकदार्स आपको देखने को मिलेंगे, तालुकदार्स कौन थे, द वन हु होल्ड टेरिटोरियल यूनिट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरिटोरियल यूनिट्स, हेड ऑफ द पीजेंट्स या फिर रिच पीजेंट्स। ठीक है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, बताइए। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि एक टर्म आपको देखने को मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम तालुक बोलते हैं। तालुक मतलब जो ग्रुप ऑफ विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे उनके जो हेड यहां पर होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें तालुकदार के नाम से जाना जाता था। मतलब इनकी खुद की टेरिटोरियल यूनिट्स यहां पर होती थी। तालुकदार को एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये एक जमींदार की तरीके से ही यहां पर काम करते थे। तो इनकी खुद की जो है वो यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना, मतलब जो टेरिटोरियल यूनिट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, वहां पर टैक्स वगैरह का कलेक्शन वगैरह का ये सब लोग यहां पर काम करते थे। ये होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो रिच पीजेंट्स आपको देखने को मिलेंगे उनका नाम क्या होता था। ठीक है, जो रिच पीजेंट्स हैं, जैसे जमींदार तो एक अलग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो रिच पीजेंट्स आपको देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम जोतेदार्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जोतेदार से, और जमींदार कौन से लोग होते थे जिनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं था, बस वो लोग यहां पर क्या करते थे, अगर आप देखोगे तो वो यहां पर क्या आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आप ये मान सकते हैं कि उनका टैक्स कलेक्शन का यहां पर काम हुआ करता था। ठीक है, तो जो रिच पीजेंट्स हैं ये जोतेदार्स हो गए, और उसके बाद जो लोग टैक्स वगैरह का कलेक्शन यहां पर करेंगे वो जमींदार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ शिवा, अ फिगर रिप्रेजेंटेड ऑन हरप्पन सील, है ना, हरप्पन सील्स में शिवा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यहां पर दिया गया है। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। विच ऑफ दी एबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रीजंस फॉर आइडेंटिफाइंग द फिगर विद शिवा। पहली बात है, इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ गजपति, इट इज शोन सीटेड इन योगिक पॉस्चर, इट इज सराउंडेड बाई एनिमल्स, और इट इज शोन विद द फीमेल फिगर आइडेंटिफिएबल विद पार्वती। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। जब भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिले हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हम एलिमिनेशन मेथड यहां पर लगाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो गजपति जो है वो कौन है, गजपति मतलब जो रूलर्स ऑफ उड़ीसा आपको देखने को मिलेंगे उनको हम यहां पर गजपति बोलते थे। जैसे जो डेक्कन के सुल्तान है उनको अश्वपति कहा जाता था, विजयनगर के जो रूलर्स हैं उनको नरपति बोलते थे। तो वन तो नहीं आएगा, है ना, तो वन यहां पर नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। और यहां पर पार्वती जी के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, तो फोर भी नहीं आएगा, तो फोर भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा,
रुद्र जो है वो ऋग्वेदा में इन्हें रुद्र के नाम से यहां पर जाना गया है, लेकिन उनमें आप ये मान सकते हैं कि कोई कनेक्शन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया हुआ है, साहूकार्स आर द पीपल हु रिफर एज, है ना, जो साहूकार्स हैं उनकी डेफिनेशन के बारे में यहां पर बात करी गई है। अ साहूकार वो समवन हु एक्टेड एज बोथ एज मनी लेंडर एंड ए ट्रेडर, मतलब ये लोग लोन वगैरह भी यहां पर देते थे और साथ ही साथ ट्रेड एक्टिविटीज वगैरह में भी यहां पर इन्वॉल्व थे। रिच पीजेंट्स के बारे में बात करी गई है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर लैंड एंड टेरिटरीज और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की जब भी बात यहां पर आएगी हमें सांथाल्स के बारे में यहां पर याद रखना है, पहाड़ियास के बारे में याद रखना है। लेकिन जो साहूकार यहां पर होते थे, साहूकार का बेसिक यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि कोई लोन वगैरह अगर मान रहा है तो आप उसको लोन वगैरह यहां पर प्रोवाइड करें, साथ ही साथ जो ट्रेड एक्टिविटीज हैं उनमें भी ये इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया हुआ है, बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ, मतलब बुद्धिज्म का जो ग्रोथ है अगर आप उसे देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बुद्धा जब जीवित थे तब भी बुद्धिज्म बहुत तेजी से ग्रो हुआ और उनकी डेथ के बाद भी अगर आप देखोगे तो उनका जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसका रीजन यहां पर क्या है? बुद्धा एंड हिज डिसिपल टॉट इन प्राकृत, इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू रिचुअल्स इन बुद्धिज्म, पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस, ओनली मेन वर अलाउड इन टू द संगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। देखो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि संघा में फीमेल भी थे मेल भी थे, इनके एक पर्टिकुलर डिसिपल थे जिनका नाम था आनंदा, और आनंदा के कहने पर गौतम बुद्ध जी ने फीमेल्स को भी अलाउ किया था। इनकी जो फॉस्टर मदर है, फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, वो पहली भिक्खुनी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद रिचुअल्स वगैरह की इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं दी गई थी, ये भी बात ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखना है कि पहले कुछ प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में चल रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हो गए थे, है ना, और उस परेशानी को दूर किसने किया? बुद्धिज्म ने यहाँ पर दूर किया। मतलब आप ये मान सकते हैं कि इसमें डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसीज थी उनको खत्म कर दिया गया, सब लोगों के लिए इसको यहाँ पर ओपन कर दिया गया, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच आपको देखने को मिलेगा, पहली बात म्यूटनी, रिवॉल्ट, तीसरी बात फिरंगी और चौथा यहां पर दिया हुआ बेल ऑफ आर्म्स। आपको बताना है कि इसका हमारा जो राइट आंसर है इनमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। पहली बात अ कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म्ड फोर्सेस, इसको हम म्यूटनी बोलते हैं। अ रिबेलियन ऑफ पीपल अगेंस्ट एस्टेब्लिश अथॉरिटी एंड पावर, द टर्म रिवॉल्ट एंड रिबेलियन कैन बी यूज सिनोनिमसली। फिरंगी अ टर्म ऑफ टर्किश ओरिजिन इज यूज इन उर्दू एंड हिंदी ऑफन इन अ डेरोगेटरी सेंस टू डेजिग्नेट फॉरिनर्स। और उसके बाद बेल ऑफ आर्म्स मतलब स्टोर रूम इन विच वेपन शेयर्स, ठीक है, केप्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्टली मैच यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कुछ लोग यहां पर सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, है ना, तो क्यों गलत होगा? पहले तो ये बताओ सी यहां पर क्यों गलत होगा, इसमें जो ये सी आपको देखने को मिल रहा है, ये सी जो लोग बोल रहे हैं कि सी गलत है वो क्यों गलत है भाई? इज यूज्ड इन उर्दू एंड हिंदी ऑफर इन अ डेरोगेटरी सेंस टू डेजिग्नेट फॉरिनर्स, ठीक है। इसका रीजन यहां पर क्या है? देखो जब तक रीजन आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप नहीं कर सकते। बाकी देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो बहुत आसान है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें म्यूटनी की डेफिनेशन पता है, हमें रिवॉल्ट की डेफिनेशन यहां पर पता है, हमें बेल ऑफ आर्म्स की डेफिनेशन यहां पर पता है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो इसमें यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में एक चीज ये समझना है कि यहां पर या तो क्या हो सकता है कि टर्किश ओरिजिन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, या फिर यहां पर क्या हो सकता है कि जो फॉरेनर्स हैं उनको डेजिग्नेट करने के लिए हो सकता है ना, दोनों चीजें है ना। सबसे पहले तो ये बताओ जो ये फिरंगी है इसका ओरिजिन क्या है ना, ये टर्किश ओरिजिन का है क्या? फिरंगी जो टर्म आपको देखने को मिलेगा ये टर्किश ओरिजिन का है क्या? तो ये टर्किश ओरिजिन का नहीं है, ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन यहां पर ऐड करी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नॉट बिल्ट बाई अकबर, इनमें से कौन सा फोर्ट है जो अकबर ने नहीं बनाया था। पहली बात आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट। आपको बताना है
कि इनमें से कौन सा फोर्ट है जो अकबर ने नहीं बनाया। ठीक है, याद रखिएगा किंग्स एंड क्रॉनिकल्स वगैरह वाले जो चैप्टर वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो यहां पर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप आसानी से जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल तरीके से भी अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि आगरा फोर्ट जो है वो अकबर ने बनवाया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्वालियर फोर्ट अकबर ने नहीं बनवाया, ग्वालियर फोर्ट आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसे बनवाया था सूरज सेन ने। ठीक है, राजा थे एक जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था सूरज सेन, इन्होंने यहां पर इसको बनाया था। बाकी लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट जो है वो किसने बनवाया, ये यहां पर आपको अकबर ने बनाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वर्ड गहपति। गहपति से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। दे आर दी ऑनर मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड, दे आर दी ऑनर ऑफ द रिसोर्सेस लैंड एनिमल्स एंड अदर थिंग्स दैट बिलोंग टू द हाउस होल्ड, दे आर दी ऑफिशियल्स ऑफ द किंग, दे बिलोंग टू द अर्बन इलीट इंक्लूडिंग वेल्दी मर्चेंट्स। ठीक है, तो गहपति, गहपति मतलब ग्रह का पति, मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो घर में लोग यहां पर हैं, घर में जो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे उस पे जो मालिकाना हक है ना, जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी यहां पर दिखा सकते हो, वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज कहलाती है गहपति। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन हमें पता है कि ये ऑफिशियल थोड़ो ना होते थे, किंग्स के ऑफिशियल होते थे क्या, नहीं होते थे, तो ये गलत है। बाकी सब चीजें ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया हुआ है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। पहली बात, नवाब वाजिद अली शाह वॉज डिथ्रोन एंड एक्साइल टू कैलकटा ऑन द प्ली दैट रीजन वॉज बींग मिसगवर्न। वाजिद अली शाह वॉज एन अनपॉपुलर रूलर, वेन ही लेफ्ट हिज बिलव्ड लखनऊ देर वर मैनी हु फॉलोड हिम ऑल द वे टू कानपुर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लेमेंट, द रिमूवल ऑफ द नवाब लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर। ठीक है, लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ द रोड्स एंड इट्स कल्चर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से यहां पर क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, आप आसानी से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कौन सा क्वेश्चन है ये, या आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देखने को मिल रहा है, बताइए। है ना, कुछ लोगों का आंसर यहां पर सी है और बहुत सारे लोगों का आंसर जो है वो डी है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वन तो नहीं आएगा, है ना। अब वन नहीं आएगा मतलब ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। अब एक चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि ये फोर जो है ना, फोर यहां पर भी है और फोर यहां पर भी है, तो फोर तो गलत है, तो यूनिफिकेशन थोड़ा ना हुआ था, सीधी सीधी बात है ना, जब इनका कोर्ट खत्म हुआ तो उस कोर्ट में काम करने वाले जो अलग अलग तरीके के लोग थे सबकी नौकरी वगैरह चली गई, है ना, तो ये फोर तो गलत है। अब हमको ये देखना है कि थ्री और टू में से कौन सा गलत है, तो ये तो गलत है ना, पॉपुलर रूलर थे वो, समझ में आ रहा है, वो क्या थे, वो पॉपुलर रूलर थे, तो इसका मतलब है कि टू एंड फोर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टू एंड फोर, समझ में आ रहा है। तो जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट यहां पर करने लग जाओगे, थोड़ा इस तरीके से लॉजिक लगाने लग जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, सिंपल चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज हैं वर इवॉल्व्ड बाय द ब्राह्मणास टू इन्फोर्स द नॉर्म्स ऑफ वर्णा ऑर्डर फ्रॉम 600 बीसी टू 600 सी। जो वर्ण का ऑर्डर है इसको इन्फोर्स करने के लिए, जो वर्ण के नॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे इसको इन्फोर्स करने के लिए ब्राह्मणास ने कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज हैं जिनको यहां पर इवॉल्व किया। ब्राह्मणास यूज्ड टू एम्फेसाइज दैट वर्ण सिस्टम इज डिवाइन, कि भगवान ने जो है वो वर्ण सिस्टम यहां पर बनाकर भेजा है। दूसरी बात, ब्राह्मणास ट्राइड टू कन्विंस पीपल दैट देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस आर डिटरमाइंड बाय बर्थ, मतलब आपका यहां पर ऑक्यूपेशन कैसा है, आपका स्टेटस कैसा है, ये जन्म से ही यहां पर बिल्कुल निश्चित है।
ब्राह्मणास एडवाइज द किंग टू इंश्योर दैट पीपल फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द वर्ण सिस्टम विद इन द किंगडम, है ना। लेकिन इन्होंने राजाओं को ये नहीं बोला था कि जो नॉर्म्स वगैरह नहीं फॉलो करें उनको पनिशमेंट यहां पर दो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। ठीक है, तो 15 में से कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए अभी तक? आप लोगों को टोटल 15 क्वेश्चन मैं यहां पर करा चुका हूं, तो टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये भी आप बताइएगा, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट डैश ऑन 23 नवंबर 1919 विद गांधी जी एज इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, उसके बारे में यहां पर बात करी गई है। तो गांधी जी उसके प्रेसिडेंट थे। आपको ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलती है ये कहां पर हुई थी? आप सभी को बताया कि खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली और शौकत अली ने यहां पर स्टार्ट किया था। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ यहां पर अटैच कर दिया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे चीज भी रिलेटेड जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक एडिशनल क्वेश्चन हम यहां पर मानेंगे, है ना। मतलब बुक वगैरह में अगर आप देखोगे तो इसके बारे में इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पर प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो मैं इसको यहां पर क्या करता हूं कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में यहां पर रखूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर क्या है, एन ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट डैश ऑन 23 नवंबर 1919 विथ गांधी जी एज इट्स प्रेसिडेंट। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। कुछ लोग दिल्ली बोल रहे हैं, कुछ लोग पंजाब बोल रहे हैं, कुछ लोग कैलकाटा बोल रहे हैं, बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज दिल्ली। याद रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं। 23 नवंबर 1919 में हुई और गांधी जी को इसका प्रेसिडेंट यहां पर इलेक्ट किया गया। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तमिल संगम लिटरेचर स्लेव्स को किस टर्म से यहां पर डिफाइन करती है, मतलब जो तमिल संगम लिटरेचर है उसमें जो स्लेव्स को डिफाइन यहां पर किया गया है वो किससे डिफाइन किया गया है, पन्नई अदिमई उजावर और वेल्लार, ठीक है। आपको बताना है कि क्या है, जैसे यहां पर जो प्लोमेन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो खेती वगैरह करते हैं लोग, ठीक है, उनको ऊर्जा की जरूरत है इसलिए इनको उजावर बोलेंगे। जो आपको लार्ज लैंड ओनर्स आपको देखने को मिलते हैं उन्हें वेल्लार के नाम से यहां पर जाना जाता है, और जो स्लेव्स हैं इनको अदिमई के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो यहां पर अरेंज करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, खिलाफत मूवमेंट और पाकिस्तान रिजोल्यूशन, ठीक है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो यहां पर क्या होगा। आप सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया था 1942 में, खिलाफत मूवमेंट जो आपको देखने को मिलेगा इसको हम 1920 का यहां पर मान सकते हैं, और पाकिस्तान का जो रिजोल्यूशन यहां पर किया गया था वो 1940 में किया गया था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 3421, तो 3421 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3421 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ऑन गोखले एडवाइस गांधी जी स्पेंट, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के भी पॉलिटिकल गुरु हैं और मोहम्मद अली जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु आपको देखने को मिलेंगे। स्पेंड द ईयर ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल्स। इन द ईयर 1916 ही मेड हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस एट द ओपनिंग ऑफ दी, है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी थी भाई, 1916 था, यहां पर उन्होंने जो है वो स्पीच दी थी, है ना। तो याद रखिएगा ये यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें आपको याद रखना है कि 1916 जो है उसकी बात यहां पर की जा रही है। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ, साउथ अफ्रीका 1893 में गए, वहां से वापस 9 जनवरी 1915 को आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। एग्जामिनेशन में असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे और असर्शन रीजन में कई सारे लोगों को अलग अलग तरीके के डाउट्स होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके के डाउट जो है वो यहां पर क्लियर
कर लें ताकि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को ना मिले। चलो भाई बताओ। पहली बात यहां पर बोली गई है कि स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड हैव बीन ज्वाइंटली वर्किंग एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इंडिया से तो काम कर ही रहे थे, जर्मनी वाले भी थे, इटली वाले भी थे, यूएसए वाले भी थे, है ना? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। व्हीलर रिकॉग्नाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंड रेदर देन डिगिंग या डिग मैकेनिकली अलॉन्ग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में कौन यहां पर जो है वो यहां पर कर रहे थे काम, ये मार्शल यहां पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन है क्या? ठीक है, इनका आपस में कोई कनेक्शन है नहीं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपस में रिलेटेड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब रीजन जो है वो असर्शन को यहां पर जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी, सर्विस ऑफ द पुअर इज द, गांधी जी के अनुसार जो गांधी जी की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, तो अगर मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि अगर आप गांधी जी को चाहते हैं कि भाई गांधी जी पुअर की डेफिनेशन, मतलब पुअर की सर्विस की जो डेफिनेशन है उसको कैसे यहां पर दिखाएंगे कि भाई अगर आप गरीबों के बारे में जो है वो यहां पर सोचेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो पहली बात है सर्विस ऑफ सोसाइटी, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस ऑफ गॉड या फिर सर्विस ऑफ डिसेबल्ड। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहां पर बोला गया है कि गांधी, अकॉर्डिंग टू गांधी, सर्विस ऑफ द पुअर इज द सर्विस ऑफ सोसाइटी, मतलब वो यहां पर क्या है कि सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। नहीं, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लग सकता है कि भाई अगर गरीब लोगों को, है ना, क्योंकि ये क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पर गरीब लोगों की सर्विस के बारे में यहां पर बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो यहां पर आएगा, है ना, कि भाई अगर आप पुअर लोगों की यहां पर सर्विस जो है वो यहां पर करोगे, ठीक है, मतलब उनको यहां पर क्या करोगे, पुअर लोगों की सर्विस यहां पर आप उनको प्रोवाइड करोगे, तो इससे यहां पर क्या होगा कि ह्यूमैनिटी की यहां पर सर्विस होगी। लेकिन गांधी जी का मानना यहां पर ये था कि अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर क्या किया कि हमारी सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं, अगर हमने उनको यहां पर क्या किया, अगर हम लोगों ने उन्हें यहां पर कैसे किया भाई, उनको अगर हमने अपनी सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करी, तो आप यहां पर ये मान सकते हैं कि ऑलरेडी यहां पर क्या होगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब आप गरीब लोगों की यहां पर सर्विसेज करेंगे तो इससे यहां पर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी की सर्विसेज हैं वो यहां पर कंप्लीट होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। जैसे गांधी जी ये बोलते थे, जैसे मान लीजिए कि कभी कोई लेजिस्लेशन वगैरह लेकर आना है, ठीक है, कभी कोई लेजिस्लेशन वगैरह लेकर आना है, तो अगर आप लेजिस्लेशन लेकर आते हो और आपको ये लगता है कि ये लेजिस्लेशन जो है वो हमें लेकर आना चाहिए या लेकर नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये बोला कि हमेशा आप हमारी सोसाइटी के जो सबसे गरीब लोग हैं उनके बारे में आप यहां पर सोचो। अगर आपने ये सोचा और इससे आपको लग रहा है कि उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से जो है वो गरीब लोगों का बेनिफिट यहां पर हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप यहां पर क्या है कि गरीब लोगों के लिए काम करोगे, उनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करोगे, उनका वेलफेयर यहां पर चाहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पूरी सोसाइटी है उसको यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। मैनी कंसीडर्ड जलालुद्दीन अकबर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल एम्परर्स, रीजन ही एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द एम्पायर ड्यूरिंग हिज रीन। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपको ना याद रखना है कि जो मुगल एम्परर्स हैं उनका टाइम पीरियड है ना, जैसे अकबर का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 1556 से लेकर 1605 तक, सबका टाइम पीरियड याद रख लेना, मैच करने को दे देंगे कि बाबर का टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530 तक, हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से 1540, फिर उसके बाद 54 से 55, फिर 56 से ये यहां पर आ गए, है ना। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड आपको मैच करने को आएगा। तो यहां पर क्या है कि सबसे ग्रेटेस्ट है क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड भी किया और जो पहले से चीजें कंट्रोल में थी उनको कंसोलिडेट भी यहां पर किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तीर्थंकर्स आर दोस हु गाइड मेन एंड वेमेन अक्रॉस द रिवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। महावीर वॉज प्रिसीडेड बाई, महावीर से पहले टोटल यहां पर कितने तीर्थंकर आपको देखने को मिलेंगे। एक बात यह ध्यान रखना है कि वर्धमान महावीर के जन्म से पहले भी जो जैनिज्म की फिलॉसफी है वो दुनिया में थी,
है ना, ऐसा नहीं था कि वर्धमान महावीर जी के आने के बाद ही वो फिलोसफी जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिले, तो उनके जन्म से पहले भी, क्योंकि बहुत सारे तीर्थंकर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहां पर होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो बुक में लिखी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो यहां पर ये ध्यान रखना है कि महावीर जैन जो है ये 24th तीर्थंकर थे, है ना, कौन से थे, ये थे 24th, तो इनसे पहले कितने रहे होंगे, इनसे पहले 23 रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीर्थंकर मतलब टीचर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर देखो मुगल क्रॉनिकल्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, मुगल क्रॉनिकल्स, ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहली बात यहां पर बोली गई है कि क्रॉनिकल्स कमीशन बाय द मुगल एम्परर्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर स्टडिंग द एम्पायर एंड इट्स कोर्ट, मतलब कि जो भी क्रॉनिकल्स यहां पर बनाए गए हैं उनके बारे में अगर आप देखोगे तो इससे क्या होता है कि जो भी मुगल कोर्ट है उसकी इंफॉर्मेशन हमको यहां पर मिलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मुगल क्रॉनिकल्स वर रिटन इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ एन इनलाइटेंड किंगडम टू ऑल दोज हु केम अंडर इट्स अम्ब्रेला, है ना, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एट द सेम टाइम दे वर मेन टू कन्वे टू दोज हु रेजिस्टेंस द रूल ऑफ द मुगल दैट ऑल रेजिस्टेंस वॉज डेस्टिन्ड टू फेल एंड ऑल्सो द रूलर्स वॉन्टेड टू इंश्योर दैट देर वॉज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल ऑफ पोस्टेरिटी। और फिर उसके बाद मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन अरेबिक, ऑल दो द मुगल्स वर पर्शियन बाई ओरिजिन, पर्शियन वॉज देयर मदर टंग, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये तो गलत है ना, क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो क्रॉनिकल्स आपको देखने को मिलेंगे ये आपको पर्शियन देखने को मिलेंगे, और यहां पर क्या है कि अगर आप इन लोगों को देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर अरेबिक आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों जगह पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या आएगा, ये अरेबिक नहीं आएगा, ये टर्किश आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको टर्किश जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें यहां पर हैं, तो चौथा तो गलत है ना, अब चौथा गलत, इसका मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब अगर आप देखोगे तो यही चीज अगर आपने यहां पर कर दिया तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो यहां पर आपको सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, ऑल ऑफ दी वो नहीं होगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर अरेबिक नहीं आएगा, पर्शियन आएगा, जिसमें भी नामा आता है ना, बाबर नामा है ना, फिर अकबर नामा, तो ये सब चीजें यहां पर क्या है कि ये आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, समझ में आ गया, यस, वेरी गुड, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, स्कॉलर्स फ्रॉम द मिड 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्रीज ऑफ, है ना, किस चीज की चीजों पे जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बताइए, अच्छा खासा आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्यों चाह रहे हो कि मैं आप लोगों को जो है, ठीक है, यहां से हटा दूं, चले भाई बताइए क्या होगा राइट आंसर। यहां पर बोला गया है कि किंग्स इश्यूज सच एज इकोनॉमिक चेंज, डिफरेंट सोशल ग्रुप, रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल, और फिर उसके बाद मार्जिनलाइज ग्रुप्स, ठीक है, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा वो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि 20th सेंचुरी के आसपास अगर आप देखते हो तो यहां पर क्या है कि मतलब किंग्स की हिस्ट्री के वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब पहले जो है, ठीक है, जो पहले आपको देखने को मिलते हैं, तो किंग्स की हिस्ट्री के बारे में इनको इंफॉर्मेशन यहां पर चाहिए, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या है कि सोसाइटी में किस तरीके की चेंजेस वगैरह, क्योंकि यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम मिड 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, लेट 19 और अर्ली 20, है ना, इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये चीजें जो है वो किससे रिलेटेड है, ये चीजें जो है वो किंग्स के हिस्ट्री के बारे में रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी, है ना। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर क्या है कि इश्यूज सच एज इकोनॉमिक चेंज, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये सब चीजों के बारे में स्टडी करना जो है इन्होंने यहां पर शुरू किया, ठीक है, ये किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स वाला जो इंट्रोडक्शन है वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ये पिक्चर आपको देखनी है ना, इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी उड़ीसा, वेयर द प्रिंसिपल डीएटी वॉज आइडेंटिफाइड बाय द 12th सेंचुरी एज जगन्नाथ, लिटररी द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, ये फोटो आपकी बुक में है। द पिक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो यहां पर ये जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है ये किस चीज का एक मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, नायनार भक्ति सेंट, लिंगायत सेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट और अलवार भक्ति मूवमेंट्स, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। तो ये इंटीग्रेशन है ना, मतलब जो अलग अलग पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेंगे उनको आपस में जो है वो अरेंज किया गया, इंटीग्रेट किया गया, ठीक
ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड जगन्नाथ इज एसोसिएटेड विथ, लॉर्ड जगन्नाथ का जो एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा वो किसके साथ है, वो लॉर्ड विष्णु के साथ है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है, जगन्नाथ वॉज लिटरली द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, मतलब जगन्नाथ जो है वो क्या है, वो लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड है, ये तो लिखा ही हुआ है यहां पर, ठीक है। रीजन दिया है कि लॉर्ड विष्णु वॉज वर्शिप इन वेरियस अवतार्स, लॉर्ड विष्णु की जो पूजा यहां पर होती है वो आपको अलग अलग तरीके के जो अवतार है उसमें यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होगा। देखो अगर हम देखेंगे तो ये बात भी ठीक है, विष्णु जी के भी अलग अलग अवतार्स हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीजन जो है, ठीक है, हाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, जैसे पैसेज आ गया वैसे फोटो दिखा देंगे आपको, है ना, जैसे पैसेज होता है वैसे फोटो दिखा देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रीजन असर्शन का जस्टिफिकेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लॉर्ड जगन्नाथ हैज बीन डिपिक्टेड हियर विद हिज सिस्टर सुभद्रा एंड ब्रदर बलराम, ठीक है, मतलब लॉर्ड जगन्नाथ है, उनकी बहन सुभद्रा है और उनके भाई बलराम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। लॉर्ड जगन्नाथ हैज बीन डिपिक्टेड हियर विद हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण, ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट दिखने को मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, इसमें यहां पर उनके भाई और उनकी बहन सुभद्रा और उसके बाद उनके भाई बलराम आपको देखने को मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट स्प्लेंडेड यहां पर स्तूपा जो आपको देखने को मिलेंगे वो कहां पर थे, है ना, मतलब सबसे अच्छे स्तूप जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, आप लोगों ने इन सीतु और एक्स सीतु कंजर्वेशन के बारे में सुना होगा, इन सीतु कंजर्वेशन सांची का किया था और एक्स सीतु कंजर्वेशन जो है वो अमरावती के स्तूप का किया था, लेकिन अमरावती के स्तूप आज के टाइम पीरियड पर बचे नहीं है, है ना, तो इसके बारे में भी काफी सारी चीजें हैं। तो मोस्ट स्प्लेंडेड जो स्तूपा आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा ये कहां पर मिलेगा, ये अमरावती में मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कई सारे लोग जो हैं वो बी यहां पर लगा सकते हैं आंसर, है ना, तो बी नहीं लगाना है, सांची के स्तूप जो है वो सबसे पुराने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़े स्प्लेंडेड जो स्तूपाज आपको देखने को मिलेंगे ये अमरावती में है। इब्न बतूता फाउंड इंडियन सिटीज फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है, तो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज वाला जो है वो सिटी यहां पर समझा इंडियन सिटीज को, तो इसका रीजन क्या है, लार्ज पॉपुलेशन, बाजार एंड एफिशियंट कम्युनिकेशन, है ना, तो जैसे हमने उलक और दावा के बारे में बात करी है, क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड, क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड के बारे में तो बर्नियर ने बात करी है, ऑटोनोमस एंड इक्विलिटेरियन विलेज कमांड और ट्रेडर एक्सपोर्टेड गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब कि जो यहाँ पर सिटीज वगैरह का एक्साइटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो करेक्ट रीजन आपको देखने को मिलेगा, सो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जो लोग इस सेशन में यहाँ पर जुड़े हैं, इससे पहले सेशन में नहीं आए हैं, आप लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने आपको टोटल 6 टेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी करवा दिए हैं और ये 7th टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, गुलबदन बेगम ने कौन सी किताब यहाँ पर लिखी है, ठीक है, जैसे बादशाह नामा के बारे में बात करेंगे तो बादशाह नामा जो है वो किसने लिखा है, अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और दूसरी बात अगर आप देखोगे तो अकबरनामा, बाबरनामा, ठीक है, अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने यहाँ पर लिखा है, बाबरनामा जो है वो यहाँ पर बाबर ने ही लिखा है, और उसके बाद हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा है, ये गुलबदन बेगम ने जो है वो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विच ऑफ दीज वॉज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मुगल नोबिलिटी, जो मुगल्स में आपको नोबल्स देखने को मिलेंगे, जो मुगल्स की नोबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में कौन सा एक डिस्टिंक्टिव जो फीचर है वो आपको देखने को मिलेगा। पहली बात अगर आप देखोगे, इट कंसिस्टेड ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। दूसरी बात अगर आप देखोगे, इट यूज मॉडर्न वेपन्स, इट वॉज पेड इन काइंड इंस्टेड ऑफ कैश करेंसी, और इट कंसिस्टेड ऑफ वुमेन। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या है कि मुगल जो नोबिलिटी है, जो नोबल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, आपको एक बात ये समझ में आएगी कि इसमें ईरानियन है, जो टर्किश लोग हैं, जो अफगान्स हैं,
है ना, जो राजपूत वाले लोग हैं, जो डेक्कन्स वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे, सभी लोग जो है इनके नोबल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, है ना, जो बंगाल में क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट यहां पर हुआ था, तो उसके बारे में यहां पर क्या है कि आपको कुछ चीजें जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ये बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में बनी है ना, इसका कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन सा यहां पर सही आपको देखने को मिलेगा। पहली बात, परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793। 1797 में देर वॉज एन ऑक्शन इन बुर्दवान ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ महल्स स्टेट्स हेल्ड बाय द राजा ऑफ बुर्दवान वर बीइंग सोल्ड। दूसरी बात, द स्टेट ऑफ दोज हु फेल्ड टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रिवेन्यू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। तो इसमें सब कुछ ठीक है ना, इसमें सब चीज ठीक नहीं है, सारी चीजें ठीक है। तो यहां पर क्या है कि 1793 परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कार्नवालिस, 1797 बुर्दवान का ऑक्शन, और ये भी ठीक है ना। यहां पर एक सनसेट लॉ वाला भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो ड्यू डेट है, अगर उस दिन सूरज डूब गया और आपने पैसे पे नहीं किए तो आपका फिर प्रॉपर्टी जो है वो यहां पर ऑक्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, जो हड़प्पन साइट है वो उसमें कहां पर मिला है, जो कैनल्स के ट्रेसेस हैं उनके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन बताई गई है कि ट्रेसेस ऑफ कैनल जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगे। धोलावीरा गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में आपको वाटर रिजर्वायर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, वाटर रिजर्वायर है, और मतलब आप ये मान लीजिए कि वो ग्रेट बात से भी बहुत बड़ा है, और धोलावीरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शॉर्टुगई अफगानिस्तान, ठीक है, यहीं पर मिलेगा, ठीक बात है। कालीबंगन में प्लॉट फील्ड का मॉडल जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और शॉर्टुगई से हम लापिस लजुली जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहां पर लेकर आते थे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, यहां पर कुछ लोटस महल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, है ना, लोटस महल विजयनगर एम्पायर, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, 34 का थर्ड पॉइंट यहां पर यह है कि जो लोग यहां पर क्या है कि टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, है ना, जैसे एक पर्टिकुलर हमने टाइम पीरियड बता दिया कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो है वो आपको क्या करना है कि टैक्स पे करना है। आपने सूरज डूब गया उस दिन का, आपने टैक्स पे नहीं किया, है ना, तो अब टैक्स तो चाहिए ना ब्रिटिशर को, तो ब्रिटिशर क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे वो रिकवरी यहां पर होगी। ठीक है, तो ऐसा करते थे बुर्दवान में, यही तो कर रहे थे वो लोग। ठीक है, चले भाई अगला क्वेश्चन। लोटस महल ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर इज द लोटस महल, सो नेम्ड बाय द ब्रिटिश ट्रेवलर इन द 19th सेंचुरी। वन सजेशन फाउंड इन एन मैप ड्रॉन बाय मैकेंजी इज दैट लोटस महल मे हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर, अ प्लेस वेयर द किंग मेट हिज एडवाइजर्स। लोटस महल हैड 9 टावर्स, अ हाई सेंट्रल वन एंड 8 अलोंग द साइड्स। लोटस महल इज अदरवाइज कॉल्ड द कमल महल और चित्रागनी महल। इट इज वन ऑफ ओनली हैंडफुल फ्यू एस्टोनिशिंग बिल्डिंग इन हम्पी दैट हैड नॉट बीन डैमेज और डिस्ट्रॉयड अमिड द अटैक ऑन द सिटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। देखो, लोटस महल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको यहां पर बताई गई है, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी यहां पर हो ना, तो इनमें से कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको सीख कर जाना है। पहली बात, यहां पर क्या है कि रॉयल सेंटर है, रॉयल सेंटर में है ना, और ब्रिटिश ट्रेवलर ने इसका नाम लोटस महल रखा था, ठीक बात है। मैकेंजी ने ये बोला है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये काउंसिल चैम्बर है, मतलब कि किंग अपने जो भी यहां पर एडवाइजर्स हैं उनके साथ यहां पर मिलते थे और उनके साथ यहां पर डिस्कशन वगैरह जो है वो यहां पर करते थे। फिर उसके बाद इसमें टोटल 9 टावर्स आपको देखने को मिलेंगी, ये बात भी ठीक है, और लोटस महल जो है वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। एडिशनल क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि कई सारे फैक्ट इसमें एडिशनली भी यहां पर ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 37 होगा। ठीक है, सही जा रहा है ना सब कुछ, हमने 34 किया, 34 के बाद ये 35, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहां पर क्या है कि क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी।
डैश वॉज अ फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल सैल्यूटेशन इन विच द कोर्टियर प्लेस द पाम ऑफ हिज राइट हैंड अगेंस्ट हिज फोरहेड एंड बेंट हिज हेड सजेस्टिंग दैट द सब्जेक्ट हैज प्लेस्ड हिज हेड द सीट ऑफ द सेंसेस एंड द माइंड इन टू द हैंड ऑफ ह्यूमिलिटी प्रेजेंटिंग इन टू द रॉयल असेंबली। तो आपको ना ये जो पर्टिकुलर चीज है इसके बारे में आपको बताना है, बताइए। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो यहां पर क्या होगा। है ना, ये जो पर्टिकुलर यहां पर आपको चीज देखने को मिलेगी इसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, मतलब ये किस तरीके का सेरेमोनियल सैल्यूटेशन है जो आपको देखने को मिलेगा। सजदा है, एक्सिस मुंडी है, कॉर्निश है, पैबोज है, सजदा है, ये आपको बताना है। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्निश। ठीक है, तो कॉर्निश याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द किंगडम ऑफ अवध वॉज फॉर्मली एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर इन, है ना, ब्रिटिश एम्पायर में यहां पर किंगडम ऑफ अवध जो आपको देखने को मिलेगा इसे कब एनेक्स कर लिया गया, 1801 में सब्सिडरी अलायंस यहां पर लागू किया गया। 1851 में डलहौजी ने बोला कि ये चेरी है जो ब्रिटिशर को एक दिन यहां पर मिल जाएगी, है ना, और 1856 में इसको फाइनली जो है वो हमने यहां पर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वॉस, है ना, मतलब जब हम हड़प्पन सिटीज की बात करते हैं तो हड़प्पन सिटीज का मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब इसमें ये सब चीजें बताई गई हैं, तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये है आपका प्लान ड्रेनेज सिस्टम, है ना, पहले रोड बनाई गई फिर ड्रेन्स वगैरह बनाई गई। तो अब यहां पर क्या है कि अब अगली चीज जो आपको देखने को मिलेगी ये है प्लान ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद घर वगैरह बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41 देखते हैं, ये फोटो आपके सामने है। हु आर द टू पर्सन शोन इन द पिक्चर, है ना, ये एक पर्सन आपको देखने को मिल रहे हैं और एक ये पर्सन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इन दोनों पर्सन के बारे में जो है वो यहां पर आपको बात करनी है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। है ना, यहां पर कौन कौन से लोग हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद यहां पर है राजेंद्र प्रसाद एंड B.R. अंबेडकर, महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एंड महात्मा गांधी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या लगता है कौन कौन है इसमें, है ना, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी आपको देखने को मिलेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं और ये राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द इवेंट शोइंग इन द पिक्चर, ये जो इवेंट आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हैंडिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमलगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा इवेंट है जो कि यहां पर ये शो होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है ना, मतलब कौन सी चीज है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, बताइए, ठीक है, कौन सी चीज है जो आपको देखने को मिलेगी। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, है ना, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम यहां पर हटा सकते हैं क्योंकि फॉर्मेशन का नहीं है ये, ठीक है, ये सी नहीं हो सकता है क्या, सी हैंडिंग ओवर द, देखो इसमें से हम क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, जैसे आप इसको यहां से एलिमिनेट कर दो, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दो और यहां पर क्या है कि इसे एलिमिनेट कर दो, अब दो चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और हैंडिंग ओवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बताइए, इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, चलो एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को अभी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। व्हेन वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमलगेटेड, अब बताओ पैसेज में आपको ना ऐसी कुछ चीजें जो है वो यूज की जाएंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां पर क्या है कि व्हेन वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमलगेटेड, कब आपको देखने को मिलेगा ये, कब इसको प्रोमिलगेट यहां पर किया गया, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 26 नवंबर 1949, क्या होगा इसके जेएस सी कैसे होगा, 31 दिसंबर 1949 या 26 जनवरी 1950, क्या होगा इसका राइट आंसर, When was the Indian Constitution promulgated?
ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 26 नवंबर 1949 मिलेगा, ठीक है, 26 नवंबर 1949। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर अब दीजिए क्या होगा। व्हाट इज द इवेंट शोइंग इन द पिक्चर, है ना, ये जो इवेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये इवेंट कौन सा आपको देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ी सी चीजें जो है वो अलग तरीके से यहां पर मान सकते हैं, है ना, मतलब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहां पर देख सकते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हैंडिंग ओवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रोमुलगेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया। तो कई बार ना पैसेज में आगे के क्वेश्चन में मिल, विच वॉज द ओरिजिनल लैंग्वेज इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मुलेटेड, ओरिजिनल लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन की आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी थी। प्रमुलिकेशन मतलब आप ये मान सकते हैं कि जैसे इसका मीनिंग अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि मतलब ये मान लो कि कब उसको जो है वो एडॉप्ट किया गया, है ना, मतलब उसको हमने यहां पर ये मान लिया कि ये चीज जो है वो अब हम क्या करेंगे, मतलब हमने यहां पर क्या है कि उसको एडॉप्ट जैसे यहां पर कर लिया है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज यहां पर क्या देखने को मिलेगी, ऑफिशियली हमने एक नया लॉ सिस्टम वगैरह जो है वो यहां पर कर लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी होगा, इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अकबर विद द एम ऑफ पॉपुलरली एक्सेप्टिंग द इंपीरियल अथॉरिटी एज पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ, क्या मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, 1 मिनट, हाँ चलिए बताइए, पॉपुलर फेथ के बारे में यहां पर बात करी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका जरोखा दर्शन। ठीक है, जरोखा दर्शन जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, यूरोपियन कॉमर्शियल कंपनीज हैड सेट अप अ बेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, है ना, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के जो पोर्ट्स वगैरह है ये सब बनाए गए। पोर्चुगीज ने पणजी में बनाया, डच ने मसूलीपट्टनम ने बनाया, फ्रेंच ने पॉन्डिचेरी में बनाया 1673 में। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको सही देखने को मिलेगा, बताइए, है ना। तो याद रखना है 43 का क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि पोर्चुगीज ने पणजी में बनाया था, ईयर याद रखना 1510 में बनाया था, डच ने मसूलीपट्टनम ने बनाया था और फ्रेंच ने पॉन्डिचेरी में बनाया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपको देखने को मिलेगा, इससे पहले वाला जो है जरोगा दर्शन वाला किंग्स एंड क्रॉनिकल्स वाला है और ये कॉलोनियल सिटीज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज सोर्सेस कैन बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द पोलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी, बताइए। नहीं, इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उसमें अगर आप देखोगे तो सब चीजें जो है वो इंग्लिश में लिखी गई है ना, हमारा ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही है। तो आपको ये बताना है कि विच ऑफ दीज सोर्सेस कैन बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहां पर राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स और ये ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Which of these conference was held in November 1930? इनमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस है जो कि नवंबर 1930 में यहां पर हेल्ड करी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने जो है वो यहां पर क्या किया था, बायकॉट किया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच लीडर अमंग द फॉलोइंग डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड वेयर ही मेंशन दैट सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम वुड इंश्योर देयर इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या नाम है उनका जिन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में यहां पर बात करी थी, तो ये थे बी पोकर बहादुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बी एन रो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और एस एन मुखर्जी जो है वो चीफ ड्राफ्टमैन आपको देखने को मिलेंगे। अबुल कलाम आजाद जो है ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, तो यहां पर क्या बोला गया है कि द मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन ऑफ 1940s, द लीग रिजोल्यूशन ऑफ 1940 डिमांडेड दैट ज्योग्राफिकली कॉन्टिजियस यूनिट्स आर डिमार्केटेड इनटू रीजंस व्हिच शुड बी सो
constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the northwest, western and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. मुस्लिम लीग का इनिशियली जो है वो कहां पर फ्लोट हुई थी बताइए. मुस्लिम लीग जो आपको देखने को मिलेगा वो इनिशियली कहां पर जो है वो फ्लोट हुई थी इसके बारे में आपको बताना है. ठीक है, पहली बात ये बताइए बताइए. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ढाका. ढाका में 1906 में ये यहां पर बना था. हु टुक ओवर द मुस्लिम लीग सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन. जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद इसकी जो कमांड है वो किसके पास आपको देखने को मिली? ठीक है, यूपी बेस्ड मुस्लिम इलीट, वेस्ट पाकिस्तान बेस्ड मुस्लिम इलीट, है ना. तो ये लोग कौन थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, है ना. यूपी बेस्ड जो मुस्लिम इलीट है उन लोगों के पास इसकी कमांड यहां पर चली गई. फिर उसके बाद है व्हेन डिड डिमांड फॉर ऑटोनोमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया स्टार्टेड. कब इसकी डिमांड जो है वो स्टार्ट हुई थी? 1940s में इसकी डिमांड यहां पर स्टार्ट हुई थी. फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए. व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ 1940s? 1940s का जो रिजोल्यूशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है? पार्टीशन ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, रूल ऑफ मुस्लिम लीग, एनी ऑफ दीज. ठीक है, तो ये होगा ना ऑप्शन नंबर बी. क्या होगा इसका राइट आंसर? डी होगा. अच्छा, पिछले वाले के डी होगा. इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए. व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव? देखो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जो रेजोल्यूशन 1940s का आया था तो उसमें हमने सोवरेनिटी की बात करी थी, है ना, कि सोवरेनिटी यहां पर मिलना चाहिए. देखो यहां पर बोला गया है कि कंटिजियस एरिया न्यूमेरिकली मेजोरिटी जोन्स ऑफ इंडिया शुड बी ग्रुप टू कंस्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट इन विच कंस्टिट्यूट शैल बी ऑटोनोमस एंड सोवरेन, है ना. ऑटोनोमस और सोवरेन है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd millennium BCE रिफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन. मगन किसका एंशियंट नेम यहां पर हो सकता है? तो मगन जो है वो ओमान का एंशियंट नेम है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? कानपुर से 1857 का रिवॉल्ट किसने किया? पेशवा बाजीराव टू, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह या फिर नाना साहब? ठीक है, तो नाना साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी. और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये. ठीक है, लेकिन ये पैसेज वाला है. ठीक है, द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिशीफ बिहाइंड. सरदार वल्लभ भाई पटेल सेड इट इज नो यूज ऑफ सेइंग दैट वी आस्क फॉर अ सेपरेट इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज गुड फॉर अस. वी हैव हर्ड इट लॉन्ग इनफ. वी हैव हर्ड इट फॉर ईयर्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीटेशन वी आर नाउ अ सेपरेट नेशन. कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्ट्रोड? इफ सो आई शैल बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट. बट इन दिस अनफॉर्चुनेट कंट्री इफ दिस सेपरेट इलेक्ट्रोड इज गोइंग टू बी परसिस्टेड इन इवन आफ्टर द डिविजन ऑफ द कंट्री वोट बिटाइड द कंट्री इट इज नॉट वर्थ लिविंग इन. देयर फोर आई से इट इज नॉट फॉर माई गुड अलोन, इट इज फॉर योर ओन गुड दैट आई से इट. फॉरगेट द पास्ट, वन डे वी मे बी यूनाइटेड. द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिशीफ बिहाइंड. वी डू नॉट वॉन्ट टू परपेटुएट दैट मिशीफ हियर हियर. वेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस दिस एलिमेंट दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट दे विल हैव टू गो सून. दे वॉन्टेड इट फॉर देयर इजी एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ऑल राइट, बट दे हैव लेफ्ट द लेगेसी बिहाइंड. आर वी टू गेट आउट ऑफ इट फॉर नॉट? ठीक है, ये बात यहां पर बताई गई है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि वॉट डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल से इन ऑपोजिशन टू द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड, है ना. देर वॉज नो चांस ऑफ ब्रिटिश लिविंग इंडिया. There was no need to continue demand for complete freedom. There was no way to submit the demand of, ठीक है, कि there was no provision of separate electorate in any free country of the world. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द एविल इफेक्ट्स ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रोड. तो इससे क्या होगा? पहले भी पार्टीशन यहां पर हो चुका है हमारे देश का, लेकिन आगे भी चलकर जो है वो पार्टीशन यहां पर हो सकता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए. व्हाट डिड ही से व्हाइल मेकिंग एन अपील टू एबॉलिश सेपरेट इलेक्ट्रोड. तो ये एक पॉइजन है पॉलिटिकल सिस्टम में. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेपरेट इलेक्ट्रोड इसका सारा होना चाहिए ना, इसका डी होना चाहिए। यस, इसका डी होना चाहिए। यस यस करेक्ट। ठीक है, इसका डी होगा, इसका ए होगा। ठीक है, इसका ए यहां पर होगा, उसके बाद ये फोर यहां पर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू पटेल हुज मिशिप इट वॉज टू प्रोवाइड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड, है ना, सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में जो यहां पर बात करी गई है, मिशिप इट वॉज टू प्रोवाइड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड, तो ये यहां पर है ब्रिटिशर्स की। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, है ना, सेकेंड का डी है, सेकेंड का, हाँ सेकेंड का डी कर दिया, ऑल ऑफ दीज, है ना, क्योंकि सारे हैं तो सारे ऑप्शन आपको यहां पर पढ़ने होंगे, तो ये सब चीजें हमने कर ली। तो ये हो गए भाई 50 क्वेश्चन आज के आपके। ठीक है, ये पूरे 50 क्वेश्चन है। अब ये 50 क्वेश्चन से ज्यादा ही है, क्योंकि जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे उनको एक ही क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर किया गया, और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर कराए गए। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आपकी टोटल 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए, है ना, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी जो है वो यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपने आज के इस पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस सेशन को और लाइक जो है वो कम है, तो जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक करें, और कल भी हमारा सेशन होगा। ठीक है, कल भी मैं आप लोगों को जो है वो सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हिस्ट्री का ही पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल भी इसी टाइम पर आप मिलिएगा, और उसमें हमारा गेस्ट पेपर नंबर 8 होगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।